पिछले दिन इलाके की सिरमौर संस्था शहीद बाबा मती साहिब जी सेवा सोसायटी डरवाली कलां समूह परिवार वालों समूह गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल खालसा पंथ के साजना दिवस नूं बड़ी ही श्रद्धा ते सतिकार सहित मनाउंदिआं होइआं 23वां विशाल खूनदान कैंप आयोजित किया गया, जिस विच उचेचे तौर ते मुख मेहमान वजो मानवता की सच्ची सुची सेवा की बेमिसाल मूरत भाई गुरप्रीत सिंह जी मिंटू मालवा मनुखता की सेवा सब तो वड्डी सेवा सोसायटी पिंड हसनपुर जिला लुधियाना तो अपना आशीर्वाद देने लई विशेष करके शमूलियत की गई, जिन्हां दा इस स्थान ते पहुंचण ते गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मानयोग प्रधान जत्थेदार मनमोहन सिंह जी सेवा सोसायटी डरौली कलां दे प्रधान जसवीर सिंह जी साबी पदियाणा अते बेअंत साध संगतां दी भरपूर हाजरी विच भरमा स्वागत कीता गया। इस मौके सेवा सोसायटी दे कीते जा चुके अते चल रहे कारजां बारे बेहतरीन जानकारी दित्ती गई। इस मौके बाई जी दे स्वागत लई विशेष करके सरपंच यूनियन प्रधान श्री कुलविंदर बग्गा जी एडवोकेट युवराज सिंह जी एडवोकेट साहिल सिंह जी बीर भुपिंदर सिंह जी गढ़शंकर अते उन्हां दी समुची टीम परमिंदर सिंह जी खुरदपुर वाइस प्रधान इंदर मिहास सैकटरी लखवीर सिंह दास सुखजीत सिंह सेवादार शहीद बाबा मती साहिब जी सेवा सोसायटी डरौली कलां समूह परिवार के नाल नाल होर बेअंत शख्सतां अते साध संगतां हाजिर सन। इस मौके भाई सुखजीत सिंह जी होना वल्लों 105 यूनिट ब्लड दान कर अपने योध्यां दा तह दिलों धन्नवाद किया गया। पत्रकार परमजीत साबी दी आदमपुर तों विशेष रिपोर्ट। बाबा मती जी सेवा सोसायटी अज असी इतने डरौली कला पहुंचे हैं। पहला तो एक गल देख के बड़ी मन खुशी हुई भी किस धार्मिक स्थान पर जिसका असल महत्व ही सी गुरु साहब ने सानू रस्ता ही दिखाया सी भी जे धार्मिक स्थान गुरु घर साढ़े बन तो उत्थे लोड़वंदां दी हर जरूरत नूं पूरा किया जाए, चाहे किसी टाइम मसावरखाने बढ़ाए दवाखाने बढ़ाए सी ते गुरु के घर जाके निशान साहब नूं देख के संगत दूर तक पहुँच सकन उत्थे ते फिर समय के नाल जरूरतां नूं बदलदियां गईआं। पर अज जिद्दां बाबा मती जी दी इस दिहाड़े नूं मुख रखदिआं उहनां दे शहीदी दिहाड़े नूं अज इत्थे कैंप लग्गिआ होइआ ब्लड कैंप लग्गिआ होइआ लोड़वंदां नूं राशन वंडे जा रहे आ, फिर आस पास के लोगों के उन्हों की किसी भी तरह की जी जरूरत है किसी का घर खुवा के देना या किसी को मैडिकल समस्या उसकी मदद दी जा रही है। ये असल जिहड़ा गुरु नानक पातशाह महाराज जी का रास्ता जिहड़ा सानू दिखाया सी उहदे ते पूर्ण तौर पर सोसायटी काम कर रही है ते असीं इन्हां दी शलाघा करन दा मतलब समर्थन भी करते हैं। गुरु महाराज इन्हां नूं होर शक्ति बख्शे, पूरी सोसायटी नूं, प्रधान साहब नूं, इन्हां दे जिन्ने भी मैंबर ने गुरद्वारा कमेटी के प्रधान साहब नूं, उन्होंने भी सारे मैंबरां नूं, क्योंकि अज समय के मुताबिक जरूरत आ गुरु घर के प्रबंधकों नूं अपनी सोच बदलनी। समा सी गुरु के लंगर की जरूरत, उदों धर्म प्रचार की जरूरत सी, धर्म युद्ध के मोर्चे लगते थे, पर हुण समा इस टाइम हालात बदल रहे हैं।
इंसान दिया निजी जरूरत जिवें मॉरल जरूरत वा हैल्थ नाल रिलेटेड इशू बहुत ज़्यादा वड्डे हो चुके हैं। इलाज करवाना हर एक दे बस की गल नहीं रही। तो जे इस तरह जिवें बाबा मत्ती सोसायटी काम कर रही है समाज भलाई दे, इस तरह सारे गुरु घर दी प्रबंधक कमेटियां जां साडे SGPC जिहड़े एडे वड्डे समोर जत्थेबंदी चलाउंदे ने साडे जसराज जी, उन्हां नूं बेनती है भी वह भी इन चीज़ों देखद होया गुरु घर की आप ड्यूटी प्रबंधकों की बनती उन्होंने बदलीए, आप लोड़वंदा की मदद करिए बीमारियों के कारण जो लोग मर रहे हैं डायग्नोज नहीं हो रही बीमारियां, पता ही नहीं लगता जब तक बीमारी एड्डी वड्डी हो जाती है कि उसका इलाज ही मुश्किल हो जाता करवाना गरीब परिवारों का। तो साड़ी बेनती है भी इस तरह के कार्य जरूर करने चाहिए। असं बहुत धन्यवादी हाँ कि सानू इतने सद के मान सत्कार भी दिता गया सोसायटी वालों सच्चे पातशाह सारियां चढ़ती कला तो सरबत का भले की अरदास करते हैं। तो अच्छ खालसा साजना दिवस दिन मुबारक विसाखी के दिहाड़े से अभी इतने अब पहुंचे हैं गुरु महाराज सारे चढ़ती कला बख्श वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।